हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ शॉर्ट एंड से रिलेटेड इजी वीडियोस। बेसिकली इन वीडियोस का मोटिव ये होता है कि आप शॉर्ट एंड को ईजिली सीखें, समझें और अपनी आउटलाइन को इतना शार्प बनाएं ताकि जब आप लिखें तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिखी हुई अपनी आउटलाइन को ऑब्जर्व कर पाए। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में जो आप लिख रहे हैं आप उसको समझें। ठीक है, कितना भी अच्छा लिख लीजिए बट अगर आप अपना लिखा हुआ ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो शॉर्ट हैंड किसी काम की नहीं होती है। तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अगर आपने थोड़ा लिखा है तो उस थोड़े लिखे हुए लेटर को भी आप प्रॉपर समझ पाए, पढ़ पाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है आपकी शॉर्ट हैंड का, जो कि एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पे वर्क करेंगे जहां पर बेसिकली जो आपकी जनरल डिक्टेशंस लेवल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट हम क्या करते हैं कभी कभी इनको बहुत बड़ा बना देते हैं या फिर उन वर्ड्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो पढ़ने में टिपिकल हो जाते हैं और हमारी शॉर्ट हैंड को टफ से टफेस्ट बना देते हैं। तो अभी आज हम वर्क करेंगे अपनी शॉर्ट हैंड को इजी से इजिएस्ट वे में कन्वर्ट करने का। उसका रीजन ये है कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और उसको समझें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके वर्ड शॉर्ट हों, शार्प हों और एक्यूरेट हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के उन शब्दों के साथ जो आपकी एडिटोरियल एंड लीगल डिक्टेशंस में सबसे ज्यादा आते हैं पर आपसे बड़े बन जाते हैं। तो उन बड़े हुए शब्दों को हम करेंगे कुछ इस तरह से छोटा। ठीक है, अब देखिए जैसे वर्ड आता है इसके अंदर या उसके अंदर, इसी के अंदर, तो यहाँ जब भी इस तरह का कुछ वर्ड आपके प्रोनाउन वर्ड्स के साथ में यूज होता है तो हम क्या करते हैं उनको लिंक करने में ही होशियारी होती है। अगर आप उनको सेपरेट सेपरेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे और आपको पढ़ने में भी एक डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। तो हम उसी डिफिकल्टी को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डिफिकल्टी पूरी तरह से हट जाए और आपकी शॉर्ट हैंड लिखने में एक पूरा कॉन्फिडेंस आए। तो देखिए जैसे कि वर्ड आता है आपका इसके अंदर, मतलब आज जो हमारा वर्ड हम यूज कर रहे हैं दैट इज अंदर, और इसके साथ ही कुछ और वर्ड्स भी हम यूज करेंगे जो कि मोटिव यही है कि शॉर्ट हैंड को इजी एंड शॉर्ट बनाए। तो चलिए इसके अंदर, उसी की तरह उसके अंदर, उसी के अंदर, इसी के अंदर। अब देखिए बहुत माइनर डिफरेंस होता है वर्ड्स को लिखने में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और हम उन वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। उस समय तो लिख जाते हैं और जब हम शॉर्ट हैंड लिख रहे होते तो हमें लगता है हाँ हम तो ये सारे पढ़ लेंगे, सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम का हाई कितना ज्यादा होता है। वो एग्जाम का हाइप आपकी की हुई डिक्टेशन को भी निल कर देता है। तो हमें वो हाइप कंट्रोल करना है, हमें ये करना है कि हम उसे फाइट करें और अपने लेटर्स को एक्यूरेट लिखें। तो अब देखिए जैसे इसी के अंदर, उसी के अंदर, ठीक है, इसी तरह से आपका वर्ड आता है गए होते या गया होता या ले गए होते। तो हम किस तरह से इन शब्दों को बनाएंगे, हमने जैसे लिखा वर्ड्स हैं हमारे ले गए होते। अब आप जानते हैं कि ये वर्ड आपकी डिक्टेशन में ज्यादातर आता है, ले गए होते, लाए गए होते। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं इसके अंदर, तो इसका का शब्द चिन्ह है हमारा इसके और इसी में अंदर की व्यंजन रेखा, ना की व्यंजन रेखा को अपनी लेंथ का डबल कर दिया। तो तड़दर वाला रूल जो होता है ना आपका कि किसी भी व्यंजन रेखा को अगर उसकी लेंथ का डबल कर देते हैं तो तर या दर लग जाता है, तो उसी तरह से ना की व्यंजन रेखा को जब उसकी लेंथ का डबल किया गया तो इसमें भी क्या लग गया, तर या दर। तो इसके अंदर, उसी तरह से उसके अंदर। अब देखिए उसी के अंदर, तो उसी का शब्द चिन्ह है यहीं से अंदर, इसी के अंदर। ठीक है, अब आया ले गए होते, लाए गए हो, ऊपर आता है नीचे आता है,
तो ये रूल आप फॉलो कीजिए कि अगर हो किसी भी शब्द में या फिर किसी सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है तो हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और अगर है तो हम उसको नीचे, मतलब अगर ले गए हैं, आया, सॉरी, लाए गए हैं, लिखा लाए गए हैं। तो देखिए छोटा सा डिफरेंस हुआ आपकी आउटलाइन में, छोटा सा आपको प्रैक्टिस में अमेंडमेंट करना पड़ा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो गई, आपके वर्ड्स की क्लियरिटी सटीक हो गई, आप उसको बहुत इजीली पढ़ और समझ पाए। ठीक है, इसी तरह से आपका वर्ड होता है जैसे गया था, जैसे लाया गया था, अभी वाक्यांश ही चल रहे हैं आपके, ये एडवांस है। ठीक है, जैसे आ गया था, जैसे ऐसी लगी या ऐसी लगती है। अब जैसे गया था, तो एक तो गया गई गए का ये व्यंजन रेखा हो गई, ये हमारा लग गया गया था, क्योंकि ये सिंगल आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं लिख रही हूं लाया गया था, तो लाया गया था, आ छोटा सा डैश, गया था, ऐसी लगी, ऐसा ऐसी ऐसे का शब्द चिन्ह और उसी में ग ल की व्यंजन रेखा, लगा लगी लगे के लिए। ठीक है, अब ऐसी लगती है, नीचे को ऐसी लगती है, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। देखिए, देखते हैं कुछ और वर्ड्स जिनको हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं और अपनी शॉर्ट हैंड को इजी बना सकते हैं। तो जैसे शब्द होता है अच्छा लगता है, ठीक है, किया गया होता, आए तो, ठीक है, आए थे, दिए गए होते, ठीक है। अब देखिए अच्छा का शब्द चिन्ह है हमारा, तो मैं लिखा अच्छा लगता, ठीक है, किया गया होता। अब आए, आए का हमने बनाया था ना, आओ आए, तो आए तो, ठीक है, आए थे, दिए गए होते। गया गई गए के लिए छोटा सा बनाएंगे और हा का सिंबल बना के, वृत्त बना के फिर हम उसको करेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्द आपको बता रही हूं जैसे जहां पर वर्ड यूज हो रहा है अनुसार, जैसे इसके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार, के अनुसार, ठीक हो गया, नियमानुसार, ठीक, ऐसे ही नियम के अनुसार। देखिए दो शब्द होते हैं, एक नियमानुसार लिख रहे हैं, एक हम शब्द लिख रहे हैं नियम के अनुसार। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग पर्पज होता है। नियम के अनुसार सवाल यह है कि, तो हमने लिखा यहां पर इसके अनुसार, तो इसके अनुसार, अनुसार का ही सिंबल होता है ना, साका व्रत और रा, अनुसार, इसके बाद है इनके अनुसार, तो क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन पर, के अनुसार, के अनुसार, ये इस तरह से बनाएंगे। यहां पर ना की व्यंजनिका साइलेंट हो जाएगी, बस डाउनवर्ड रहा आएगा। ठीक है, इसी तरह से नियमानुसार, नियम के अनुसार, तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे समवेयर। ठीक है,
इसके बाद है सवाल, यह है कि तो हमने क्या किया यहाँ पर सारे वर्ड को लिंक कर दिया, हमने लिखा सवाल यह है कि, तो ये एक एडवांस आपकी स्टेनो का फॉर्मेट है। आप अगर इसको समझ के प्रैक्टिस में लेंगे तो नो डाउट आपकी शॉर्ट हैंड का कंसेप्ट बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड हो जाएगा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाएगी और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कंसेप्ट को समझिए फिर उसको लिखिए। अब कुछ दो तीन शब्द ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं उन पे वर्क कर लेते हैं, तो जैसे यहीं पर कर लेते हैं हम, आ गए, ठीक है, आ गई, आ गया, और वह आता है ना आपकी डिक्टेशन में, हो गए और हो गई। अब ये कैसे बनेंगे, तो जैसे आ छोटा सा गया, आ गई, छोटे बनेंगे ये, हाँ आ गया और वह, तो और का सिंबल बनाया, वह का फॉर्मेट ऐड हो गया। इसके बाद है हो गए, हो गई, तो हो गई क्या करेंगे ऑन द लाइन, सॉरी क्रॉस द लाइन बनाएंगे, हो गई। और एक वर्ड जहां तक है और यूज हो जाता है, दैट इज की वह, ठीक है की वह, तो आप क्या करोगे की का बनाएंगे, और जैसे राम में ऐड किया था ना और में, वैसे ही हम शब्द को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर शब्दों को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि आप अपनी एडिटोरियल एंड लीगल डिक्टेशंस में बनाते हैं, बट क्या करते हैं कि आप उनको या तो दूर दूर लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, या फिर आप उनको गलत बना देते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है ये कुछ वर्ड आपके लिए छांट के निकाले हैं उन डिक्टेशन से जो कि मैंने आपको बोली भी हैं अभी तक की डिक्टेशंस में, तो ये सारे वर्ड मैंने शॉर्ट आउट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। इनकी एक सेपरेट प्रैक्टिस फॉर्मेट बनाएंगे, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे शब्द चिन्ह एक ही जगह पे या फिर एडवांस आउटलाइन एक ही जगह पे मिल जाएंगी। जब पूरा कंसेप्ट आपको एक ही जगह पे मिलेगा तो आपको बेनिफिट ये होगा कि पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। तो होपफुली ये लेटर कंसेप्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आउटलाइन एडवांस आउटलाइन कंसेप्ट आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।